नमस्कार, मेरा नाम अमान और आप देख रहे हैं इन BCN न्यूज़ की खास मुलाकात। और आज मेरे साथ है एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने अपना मुकाम, अपना नाम खुद के दम पर बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ नागपुर शहर ही नहीं बल्कि बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, अरे नहीं, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने अपना खुद का नाम चमकाया अपने दम पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक जायसवाल, फैशन कोरियोग्राफर और अब बन चुके हैं शो डायरेक्टर। वेलकम टू BCN न्यूज़ चैनल, वेलकम टू नागपुर ऑल्सो, क्योंकि आजकल आप नागपुर में बिल्कुल नहीं टिकते हो, इधर उधर घूमते रहते हो। कैसी रही इतनी बड़ी जर्नी यार? क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ आपको काम करते हुए देखा है, कभी आपको ऐसे फन या कुछ मस्ती करते हुए देखा, सिर्फ काम। मेरे को बताओ कि अब तक आपने जितने भी शोज किए, जितने भी इवेंट्स किए, सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पर आया? बेसिकली थैंक यू मान फॉर हैविंग मी ऑन BCN एंड द होल टीम ऑफ BCN। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, ये 4 सिटीज़ आर द बेस्ट सिटीज़ फॉर मी। दे हैव ऑलवेज बीन माई फेवरेट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क, द काइंड ऑफ पीपल, द काइंड ऑफ मॉडल्स, द काइंड ऑफ दे गिव यू द हॉस्पिटैलिटी। आई थिंक इट्स द मोस्ट प्रोफेशनल places that I have been worked and I'm thankful to God कि I'm so much blessed for that। क्या बात है। बहुत बड़ा सवाल आज की यूथ में, क्योंकि ना हर जगह शोज होते हैं, हर जगह इवेंट्स होते हैं। कुछ लोग अपने चेहरे को लेके बड़ा ही अलग फील करते हैं, कुछ लोग अपनी हाइट्स को लेके बहुत अलग फील करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या फैशन शो के लिए, क्या मॉडलिंग के लिए हाइट मैटर करती है? यस, मॉडलिंग के लिए हाइट बहुत मैटर करती है, बट compulsion height is necessary for runway modeling and professional showcases, which means कि अगर आप एक fashion week में जा रहे हैं, वहाँ पर criteria already allotted होता है, which is almost 5'10", but generally जो show directors होते हैं, they will start from 6 feet and above. Okay. For boys and for girls. For girls, it is 5'8" they say, but generally 5'9" and 5'10" is the cutoff for the fashion weeks and professional showcases. This is only but वो सिर्फ 10% ऑफ द थिंग है, बट 90% आपके लिए मॉडलिंग इंडस्ट्री खुली है। एनी बडी फ्रॉम अ बॉर्न बेबी टू अ 60-year, 70-year गाय और अ लेडी कैन बी अ मॉडल। वहाँ हाइट का प्रॉब्लम नहीं है, कलर का प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए आप कौन से सेगमेंट में जा रहे हैं और वो सेगमेंट लेके आप मॉडलिंग कर सकते हैं। क्या बात है। सो नॉट टू गेट डिप्रेस्ड एंड डिसहार्टेंड, मॉडलिंग सब कर सकते हैं। द ओनली क्राइटेरिया वेयर इज क्राइटेरिया सेट होता है, सिर्फ एक ही कैटेगरी है जो है हमारा रनवे मॉडलिंग, और कोई जगह आपको ये नहीं है। इवन द पैजेंट्स, पहले मिस इंडिया 5'7" लेती थी, 5'6" लेती, नाउ दे हैव कट ऑफ फॉर 5'5" समथिंग, और शायद वो और नीचे आ जाए। फॉर बॉयज इट वॉज मिस्टर इंडिया फॉर 5'11", फिर 5'10" हुआ, अभी 5'8" शायद आ जाए। जो चल रहा है एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेंटेलिटी, इट इज विद द ऑर्गेनाइजर्स, दे आर चेंजिंग। Generally, apart from these are branded pageants what we do for cutoffs, but बहुत सारे pageants होते हैं जो आपको heights में बहुत सारी सहूलियत देते हैं। So in order to get yourself groomed and your personality very well done, so you can definitely an opt pageant जहाँ से आप as a model कैसा जीते हैं, what is the lifestyle of model, how to carry like a model, so it is all done in that pageants and contests. So don't worry, height कलर हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। एंड ब्यूटिफुल इज ऑलवेज बोरिंग इन फैशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यू हैव गिवन राइट नाउ, क्योंकि बहुत लोग है ना कंफ्यूज होते हैं, क्या हाइट मैटर करती है, क्या लुक्स मैटर करते हैं, क्योंकि एक मॉडलिंग को हमेशा ग्लैमर वर्ल्ड की तरह देखा गया। लेकिन जिस तरह आपने आज ये इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को आज यहाँ का सोल्यूशन मिल गया होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फैशन कोरियोग्राफर अभिषेक जायसवाल, वहाँ से द रियल शो डायरेक्टर अभिषेक जायसवाल कैसा बना? So I am an MBA in finance and international business management. देखो, पढ़ाई करके रखी है इन्होंने सारी। आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो बेसिकली आप कुछ नहीं कर पाओगे। The moment I started working on my qualification, I started working on my fashion also. Great. तो मैंने कॉलेज से ही I used to start doing choreography with my friends. तो वो एक passion चलते 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 I have finished it. मेरा MBA हुआ, मैं I was working in Spanco as the manager for North Nagpur. और ड्यूरिंग द टाइम मैं वो कंटिन्यू करते रहा। सो वन स्ट्रोक ऑफ लाइफ कि मुझे अगेन एक प्रोफेशनल मौका मिला कि मैं कोरियोग्राफी में आऊँ, तो स्टिल आई वाज वर्किंग एज अ कोरियोग्राफर। शो डायरेक्शन मुझे नहीं पता था क्या होता है। मैं मेरे मेंटोर से मिला एक बार, जब मैं खुद शो एज अ कंटेस्टेंट था, तो आई हैव, जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर इसमें करियर होता है क्या, मैंने भी यही उनसे पूछा था, मेरे मेंटोर से भी। तो बोले हम क्या कर रहे हैं यहाँ। So definitely that answered me, yes sir, दिस इज़ अ करियर एंड शो डायरेक्शन एंड कोरियोग्राफी का डिफरेंस ये होता है कि आप शो पे आप कॉलेज पे जाते हो, आप इधर आइए, लेफ्ट आइए, राइट जाइए, आपका ये चीज़ हो सकती है, आप घूम सकते हो, 3 बार घूम सकते हो, कौन आएगा, दैट इज़ कोरियोग्राफी. ओके, बट व्हाट इज़ शो डायरेक्शन? शो डायरेक्शन इज़ द डिफरेंस कि आप जैसे मूवी का डायरेक्टर होता है वो डिसाइड करेंगे कि सॉन्ग क्या है, वो डिसाइड करेंगे थीम क्या है, सेट क्या है, कोरियोग्राफी कहाँ जाएंगी. So as a whole, like a movie director, it is the work of the show director for fashion to do the whole setup. Wow. Lights, sound, music, model selection, talent management, backstage. It has to be. It's a one-stop solution. That is, उसको पूरा job आना चाहिए. From backstage to light designing to music designing, we also do particular music sets. मतलब जो रेगुलरिटी में हम शोज यूज़ करते कभी नहीं होता है, तो जैसे मूवी के लिए नया पूरा म्यूजिक बनता है तो हमारे फैशन के लिए भी हम न्यू म्यूजिक बनाते हैं. सो इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ शो डायरेक्शन. इफ वी डोंट फाइंड इट वेल, वी डू इट एवरीथिंग एंड इट्स अ क्रिएटिव जॉब. नॉट एवरीवन कैन बिकम अ शो डायरेक्टर बट एवरीवन कैन बिकम अ कोरियोग्राफर. वंडरफुल. मतलब अभी तक जो जर्नी आपने फेस की है तो उसमें बहुत सारा स्ट्रगल भी आया होगा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन भी आए होंगे जहाँ आपने बहुत कुछ फेस किया होगा. कभी ऐसा लगा कि यार ये करियर को गिव अप कर देना चाहिए और अपनी MBA वाली चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि आज की दुनिया में ना पैसा बहुत कुछ है. और क्या फैशन कोरियोग्राफी में, क्या रियल शो डायरेक्टर में जो आप काम करते हो, पूरी तरह शो को मैनेज करते हो, सब कुछ ध्यान रखते हो, क्या उसमें इतनी इनकम हो जाती है कि हम अपने परिवार को संभाल सकें या घर चला सकें? बाकियों का नहीं मालूम मुझे, बट आई कैन से फॉर मी इफ़ आई एम वर्किंग, फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग फॉर वन शो, तो आप जनरली एक कोई नॉर्मल 9 to 5 जो वर्क करते हैं तो जो उनकी जो एक बेसिक सैलरी होती होगी उससे मुझे 3 times per show मिलता है. वाव. मतलब आप अभी से ये बनना शुरू कर दीजिए क्योंकि अगर आपने 2-3 साल भी यहाँ पर मेहनत कर लिया तो आने वाले 10 साल तो ऐसा नहीं है बिकॉज फॉर दिस पर्टिकुलर पैंडमिक एंटरटेनमेंट पिरामिड का सबसे बड़ा टॉप पे था, तो सबसे ज़्यादा हिट जो होता वो फॉर दिस पर्टिकुलर पैंडमिक वॉज एंटरटेनमेंट. आप भी एंटरटेनमेंट में सब कुछ चालू था लेकिन हम नहीं चालू थे, आप भी चालू थे, तो ऐसा थॉट ज़रूर आता था कि हम लोगों ने कुछ करना चाहिए, एक्स्ट्रा करना चाहिए. ऑब्वियसली ऑप्शंस होने चाहिए एंड ये करियर उन्होंने लेना चाहिए जिसको इसमें फील है. कोरियोग्राफर आप ज़रूर बनिए बट इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ शो डायरेक्टर आप उस करियर को 2 साल दीजिए. आप कट कॉपी पेस्ट पे जी नहीं सकते हैं एज अ शो डायरेक्टर बिकॉज पीपल कम टू मी एंड दे कॉपी माई स्टफ एंड नाउअडेज द पीपल आर डूइंग सेम थिंग फॉर लाइक चलते जा रहा है भाई, इसने किया ना तो हम भी वो करेंगे, इसने ये किया वो भी करेंगे. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मिस्टर इंडिया, मिसेस इंडिया और मिस नागपुर, मिसेस नागपुर, मिस विदर्भ, मिसेस विदर्भ, कौन सा रियल है कौन सा फेक है. मतलब आज के यूथ को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा शो रियल है कौन सा शो फेक है क्योंकि आजकल हर किसी के सर पर एक ना एक क्राउन है. तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा मैं इसे. एक होते हैं ब्रांडेड पैजेंट्स जो मिस इंडियाज के रेंज में आते हैं एंड दे गो टू नेशनल इवेंट्स. जो इंडिया जीतेगा दे विल गो टू नेशनल पैजेंट्स. दोज आर ब्रांडेड इवेंट्स एंड डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट दैट पैजेंट्स. ठीक है, दैट अदर्स आर दी नॉन ब्रांडेड. इट कैन बी लोकली लाइक सिटी वाइज, स्टेट वाइज. इसमें नकली नहीं होता है, आपको सीखने का, जैसे आप KG-1 में तो KG-1 की टीचर आपको KG-1 के हिसाब से सिखाती है, अगर आप 10th क्लास में तो 10th क्लास के सिखाती है. सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पैजेंट तो सबसे पहले आप वो ऑर्गेनाइजर के बारे में आप बैकग्राउंड चेक करिए, नंबर 1. ओके. नंबर 2, अगर आप बोलते ग्रूमिंग करवा रहे हैं वो चार्जेस लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आज कोई भी जैसे आप सीखने भी जाते हैं ट्यूटोरियल के लिए आपको पे करना पड़ता है, इट इज़ फाइन बट एक लिमिट सेट होता है कि उतने में दीजिए, अगर ज़्यादा दीजिए इज़ नॉट फीजेबल. बट उसमें देखिए कि सबसे पहले वहाँ आपका ग्रूमिंग एक्सपर्ट कौन है. अगर आपको लग रहा है दैट इज़ द गाय हु इज़ अ वेरी एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री, आप उनका भी बैकग्राउंड चेक करिए कि उन्होंने कितने साल से ब्रांड से काम किया है, कितने पैजेंट्स किए हैं, उनका भी. इट इज़ एवरीथिंग अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, वेबसाइट्स एंड एवरीथिंग. सो आप ज़रूर वो चेक करिए. इफ़ द पर्सन इज़ राइट अकॉर्डिंग लाइक द ट्रेनर्स तो ज़रूर आप जाइए. इवन इफ यू हैव टू पे 50,000 फॉर दैट, नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ द ट्रेनर इज राइट, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप लर्न करके निकलोगे, उसके बाद कभी आपको पे नहीं करना है और उसके बाद अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं. सो मतलब अगर इंसान अच्छा है, जो वहाँ पे सिखाने वाला है, जो ग्रूम करने वाला है, अगर वो वेल ट्रेन है और उसको बहुत सारा नॉलेज है तो डेफिनेटली आप उस जगह जा सकते हो। लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो नया है और वो फिर भी आपसे 15,000-20,000 रुपये ग्रूमिंग के ले रहा है, तो सोच समझ कर अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि हर जगह आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि 15,000-20,000 रुपये लेकर वो एक शो ऑर्गेनाइज कर देते हैं और 50-60 मॉडल्स को इकट्ठा करके एक शो लॉन्च कर देते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि आप कहाँ से सीख सकते हो और कहाँ से डूब सकते हो। यस, ये जानना चाहूँगा कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, अभिषेक जायसवाल का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ शो या कोई भी वे में? पीपल कॉल मी फॉर माई सीरियसनेस विद द वर्क एंड द फील ऑफ द वर्क। ओके, व्हेन पीपल कॉल मी बोलते हैं अभिषेक को हैज़ अ फील फॉर फैशन, बाकी कट कॉपी पेस्ट चल रहा है। सो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये टाइटल मिलता है कि विद द फील आई एम गोइंग। That's why you are here. क्योंकि हम भी कॉपी पेस्ट नहीं रखते, हम भी सब ओरिजिनल रखते हैं, इसलिए हमने ओरिजिनल अभिषेक जायसवाल को यहाँ पर बोला। कोई भी सिटी गया, I have one compliment that Abhishek has the best music selection for the show. So this is one strong point that I have always been listening from all across the shows. क्या बात है। तो अभिषेक, मैं जानना आपकी एज क्या है? I'm 34 now. 34, ये शख्स 34 का है। 34 का ये शख्स, मेरे को जानना है ये इतना यंग कैसे दिख रहा है। मतलब 34 इयर्स का। मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा ही छोटा हूँ। लेकिन मुझे बताओ कि इतना सारा ग्लो कहाँ से आ रहा है। मैं किसी और ब्रांड का मतलब एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकता, नाम भी नहीं ले सकता, वरना ब्रांडिंग हो जाएगी। इतना ग्लो आ कहाँ से रहा है? क्या आप दिन भर मॉडलिंग करते हो या ग्लैमर में रहते हो? बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ होती है, बहुत सारा ग्लैमर होता है, क्या इसी के वजह से आपके चेहरे में इतना सारा ग्लो है? हम जानना चाहते हैं क्या अभिषेक जायसवाल को किसी से प्यार है? क्या उस प्यार का ग्लो है? किसका ग्लो है? फर्स्टली आप खुद एज अ ट्रेनर हो, तो आपका ट्रेनर सॉलिड नहीं रहेगा तो फिर व्हाट विल दे फॉलो? सो जो हम सिखाते हैं वो खुद भी हम फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग लाइफस्टाइल ऑफ अ मॉडल। सो वी ऑल्सो हैव टू फॉलो द सेम लाइफस्टाइल। व्हाट इज द डे केयर, व्हाट इज द स्किन केयर, व्हाट इज द हेयर केयर, एवरीथिंग हैज टू बी डन। ये है। So definitely इसके लिए मुझे आपका अलग से इंटरव्यू लेना पड़ेगा कि कैसे अपने चेहरे की, अपने फेस की केयर कर सकते हैं। बट यू आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली इन लाइक फैशन, ओनली फैशन। तो ये कोर फैशन, क्योंकि मैंने भी आपसे सवाल किया कि ये ग्लैमर का राज के मतलब इतना ग्लो का राज क्या, तो आपने सीधा अपने ना बिजनेस की बात की है। नहीं, दिस इज व्हाट आई से। वो जो हम सिखाते हैं वही हम खुद भी करेंगे ना, क्योंकि अगर ट्राइड एंड टेस्टेड है, अगर वो करना है तो हमको भी करना ही पड़ेगा ना। आज का यूथ, आज का यंगस्टर्स, हम सब जानते हैं कि फैशन शो बहुत कॉमन हो गया है, हर जगह हो रहा है। लेकिन लोगों का जो पैशन बढ़ते जा रहा है जी, और उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही है कि यार कुछ करना है, मम्मी पापा को कुछ करके दिखाना है, दुनिया को करके दिखाना है, समाज को करके दिखाना है। तो ये जो फैशन शो अब ग्रैंड लेवल बन चुका है, तो उसमें अगर आज के यूथ को जाना हो तो कौन कौन जा सकता है, कौन कौन नहीं जा सकता है? आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड कि फ्रॉम अ बॉर्न बेबी टू 70 ईयर कोई भी जा सकता है। आपको सेगमेंट पकड़ना है, कैसे जाना है और आप ट्रेन प्रॉपर कहाँ हो रहे हैं ये डिसाइड करते हैं। आपको खुद का बॉडी लाइन का टेक केयर करना है, स्किन लाइन, बॉडी लाइन। यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ विद काइंड ऑफ यू नो इंडस्ट्री। आप कहीं भी, कोई भी कर सकता है। तो इट इज़ नॉट कि यूथ के लिए मैं ये बोलूँ कि आप जब भी जा रहे, इट इज़ अ करियर बट इट इज़ अ सीरियस करियर। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइम, डेडिकेशन। आप इंजीनियर करते हो, आप डॉक्टर करते हो, आप 4-4, 5-5 साल देते हो फॉर दिस करियर। यू ऑल्सो हैव टू गिव टाइम, you also have to do an internship kind of thing. Example, you go see the show, you learn on show, you observe from the show how they walk, how they carry themselves, how they do it. It is everything, it's like a proper career. It is a proper career. हमने हर जगह देखा है कि ना कलर्स को लेकर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ये चीज़ पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ना लोग डरते हैं कि हम रेसिस्ट तो नहीं हो रहे हैं, कि हम काले को काला बोल रहे हैं, मोटे को मोटा बोल रहे हैं, पतले को पतला बोल रहे हैं। मतलब अलग अलग चीज़ों के साथ मार्केट में लोग उतरते हैं। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि ग्लैमर वर्ल्ड में सिर्फ ग्लैमर फेसेस होते हैं, और जो ब्लैक फेसेस होते हैं जो असल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, जहाँ हमने भी कई बार देखे हैं उनके फेस कट बहुत स्ट्रांग होंगे, या उनका ग्लैमर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, या उनके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो बहुत परफेक्ट दिखते हैं, फेस लाइन। तो क्या ये फैशन वर्ल्ड में, ये ग्लैमर वर्ल्ड में ऐसा होता है? रेसिज्म बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर रेसिज्म नहीं है तो हमारे फैशन इंडस्ट्री, देयर इज नो रेसिज्म इन द फैशन। ब्लैक्स आर प्रेफर्ड नंबर वन बिकॉज एंड दे आर द मोस्ट हाईएस्ट पेड आर दी डार्कर वंस बिकॉज वी एज इंडियंस वी हैव व्हाइटिश टोन एंड वी आर पेड मोर। सबसे ज़्यादा फैशन वर्ल्ड में होता है तो इंडिया में ही होता है। दो फैशन कैपिटल इज पेरिस, बट सबसे ज़्यादा फैशन का जो इवेंट्स होता है इट इज़ मोर इन इंडिया एंड वी डोंट डू रेसिज्म हियर, वी टेक मोर कलर. कलर्स इज द बेस्ट पार्ट सबसे ज़्यादा. मतलब आप जो भी हो जैसे भी हो अगर आप अपना खुद का ख्याल रखते हो, खुद को अच्छे से ग्रूम कर सकते हो तो आप इस इंडस्ट्री में उतर सकते हो डेडिकेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ. जाते जाते आप नागपुर, विदर्भ और इंडिया से क्या कहना चाहोगे फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री? अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो टेक इट एज ए सीरियस करिए. जैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन के साथ साइड बाय साइड ये भी करिए, ऑप्ट कर सकते हैं, बट यू ऑल्सो नीड अ वेरी डेडिकेटेड लाइफस्टाइल एंड मेंटेनेंस फॉर दिस. प्रॉपर लर्न करिए इंडस्ट्री के लिए आने के लिए, अच्छे एक्सपर्ट से लर्न करिए ऑन योर बॉडी लाइन, ऑन योर स्किन लाइन, एवरीथिंग. एक एक चीज़ें डिटेलिंग होती है फॉर अ मॉडल. सो फॉर ऑल माई न्यू कमिंग अपकमिंग मॉडल्स एंड दैट इज़ फॉर लेडीज़ एंड द ग्रोन अप्स ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो कम टू इंडस्ट्री, बट आप प्रॉपरली ट्रेन करके आइए. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स आप देखिए एंड प्लीज़ कम एंड इट्स ओपन फॉर एवरी वन. थैंक यू. ग्रेट. मतलब इस शो के लिए एज मैटर नहीं करती है? नहीं. हाइट डजंट मैटर, नो. लुक्स डजंट मैटर, हाइट ओनली मैटर्स फॉर वन थिंग रनवे शो के लिए. और बाकी जगह के लिए इतनी हाइट मैटर नहीं करती. अगर आप जहां पर भी हो जैसे भी हो, अगर आपके अंदर जुनून है, पैशन है, तो आप डेफिनेटली ये शो पर उतर सकते हैं, इस ग्लैमर वर्ल्ड में आ सकते हैं और अपना टैलेंट दिखा सकते हैं. थैंक यू सो मच अभिषेक जायसवाल फॉर कमिंग हियर. इट वाज अमेजिंग इंटरव्यू विथ यू एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने आज नागपुर की जनता और विदर्भ की जनता को दी है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी. थैंक यू होल टीम ऑफ बीसीएन फॉर हैविंग मी. हैव अ ग्रेट डे गाइस. मेहमान यहाँ से होता विदा. मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ. तिल एंड मान से देखते रहिए इन BCN न्यूज, क्योंकि सच दिखाए बिना छुपाए.